आज उपदेश का नाम है पंचवाग्य सूत्र। क्या है पंचवाग्य सूत्र? पंचवाग्य सूत्र, ये सूत्र को और एक नाम है अनंत लक्षण सूत्र। अनंत लक्षण सूत्र, अनंत लक्षण कहा जाता है, अनात्म लक्षण के बारे में बताया गया सूत्र। पंचवाग्य सूत्र क्यों बताता है? पंचवाग्य भंते लोगों के लिए बताया गया। पंचवाग्य मतलब हाँ पांच वर्ग भिक्षुओं को बताया गया, मतलब पांच कोंडाज वापवादी महानमास जी पंचवाग्य भिक्षु को बताया गया सूत्र। उस समय भगवान बुद्ध वाराणसी में इसी पतन मृगदाय में रहते थे। पंचवाग्य बनते लोगों को पहले धम्मचक्कप्पवर्तन सूत्र बताया, बताने के बाद सोतापन हो गया कौन? कोंडाज भंते जी। इसके बाद तीन महीना तक भगवान बुद्ध भंते लोगों को उपदेश दिए थे। कैसा है? एक भंते जी जाते हैं भोजन लाने के लिए, भिक्षाटन के लिए, भगवान बुद्ध दूसरों को प्रवचन दे, दूसरे दिन दूसरा जाते हैं, ऐसा ऐसा करके अंतिम लोग का मन तैयार हो गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तैयार होने के बाद भगवान बुद्ध को मालूम हो गया, तो भगवान बुद्ध फाइनल उपदेश दिया गया अनाथ लक्षण सूत्र। ये सूत्र सुनने के बाद ही उन लोग सब कुछ समझ गया है। भगवान बुद्ध सीधा बताया, तो मैं भिक्षु सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ। रूपम भिक्खवे अनात्ता, ये रूप अनात्म है, अनात्म मतलब अपना वास में नहीं कर सकता है, इसीलिए ये रूप अनात्म है। अगर ये रूप अनात्म नहीं है तो आत्मा है, तो आत्मा मतलब अपना वास में अच्छे से कर सकेगा, तो अपना वास में कर सकेगा, तो ये रूप आबाद नहीं होता है, ये रूप बीमार नहीं पड़ता है, ये रूप नष्ट नहीं होता है, अपना वास में कर पाएगा तो। ऐसे है तो ये रूप ऐसे हो, ये रूप ऐसे ना हो, ऐसे प्रार्थना करके ये रूप को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये इसमें आत्मा है तो, मतलब अपना वास में कर सकेगा तो, ये रूप ऐसे हो, ऐसे लभ्येत च रूपे एवं मे रूपं हो तो, ऐसा ये रूप हो, एवं मे रूपं मा अहोसीति, ऐसा है मेरा रूप ना हो, ऐसा हो मतलब सुंदर हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, बीमार पड़ने पर बीमार ठीक हो जाओ, ऐसे प्रार्थना करने पर होना चाहिए अगर इधर आत्मा है तो। और ऐसा मेरा बीमार खत्म हो, मुझे ये तकलीफ ना हो उस रूप में, ऐसे प्रार्थना कर मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता है? अपना वश में नहीं, इसका मतलब अनात्म है। इसीलिए ये रूप अनात्म है, इसीलिए ही ये रूप आबाद है, नष्ट होता है, बदलते रहता है, इसीलिए ये रूप, ये मेरा रूप ऐसे हो, ये मेरा रूप ऐसे ना हो, ये कभी मिल सकता है क्या? कभी मिल सकता है, कभी मिल नहीं सकता है। कैसा? ये रूप ऐसे हो, ये रूप ऐसे ना हो। रूप मतलब क्या है? चार महाधातु से बनाया गया चीज को रूप कहा जाता है। इधर ये है अंदर रूप, ये बाहर रूप,
अंदर रूप मतलब ये इधर ये ये है, बाहर रूप मतलब ये आप लोग का शरीर अमेरिका ताजमहल मछली सब बाहर रूप। इसके बाद भगवान बुद्ध ने रूप के बारे में ऐसे बताया। दूसरी में बताया वेदना भिक्खवे अनात्ता, वेदना भी अनात्म है। वेदना भी वेदना भी बदलते रहता है, आबाद है। आबाद मतलब हर समय नष्ट होते होते बदलते रहता है वेदना। वेदना मतलब सुख दुख उपेक्षा, सुख का वेदना, दुख का वेदना, उपेक्षा का वेदना, ये वेदना हर समय बदलते रहता है ना। सुख आ गया तो देखिए हम लोग को बुखार लग जाता है, सिर दर्द देता है या पैर दुखता है, उसी समय उसी दर्द देता है वहां ध्यान दे दीजिए, वो बदलते बदलते दर्द देता है ना। कभी कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है, बदलते रहता है, हर क्षण में बदलते रहता है वेदना भी। अगर ये वेदना आत्म है तो, आत्म है मतलब वेदना भी अपन आवास में कर सकेगा तो, ये वेदना ऐसे हो ये वेदना ऐसे ना हो ऐसे मिल सकता है क्या हो गया तो, ये वेदना अपना वास में कर सकेगा तो, लेकिन ऐसे होता नहीं है। हम लोग को दुख वेदना आ गया तो हम लोग को चाहिए नहीं है ना, हम लोग सोचते मेरा वेदना ऐसे ना हो, लेकिन नहीं होगा, होता है क्या, होते रहता है। हमको सुख वेदना मिलता है, सुख वेदना मिलते समय हम सोच लेंगे तो ये सुख वेदना ऐसा ही हो, ऐसे ही रहेगा क्या, नहीं रहता है। भगवान बुद्ध ने बताया इसीलिए ये वेदना अनात्म है, अपना वश में नहीं कर सकता है, इसीलिए वेदना ऐसे हो ये मेरा वेदना ऐसे ना हो ये वेदना से नहीं मिल सकता है, ये वेदना अनात्म है। अभी दो चीज बताए, रूप वेदना, रूप उत्पन्न होता है चार महाधातु से, पट व्यापु तेजो वायु। वेदना उत्पन्न होता है चैन्या चेतना स्पर्श, स्पर्श पश्चया वेदना है ना, स्पर्श के कारण वेदना, स्पर्श मतलब मालूम है तीन कनेक्शन तीन चीज का। इसका भगवान बुद्ध बताए संज्ञा भिक्खवे अनत्ता, संज्ञा मतलब पहचान, संज्ञा संज्ञा हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा संज्ञा पहचान कहते हैं ना, संज्ञा। ये संज्ञा अनात्म है, संज्ञा मतलब क्या पहचान लेता है, रूप पहचानता है, शब्द पहचानता है, गंध पहचानता है, रस पहचानता है, स्पर्श पहचानता है, और मन की विचार पहचानता है। ये संज्ञा उत्पन्न होने का कारण स्पर्श, स्पर्श पश्च पच्य वेदना है ना, वेदना पच्य तन्हा, तन्हा के पहले कारण नहीं बता रहा है। इसीलिए अभी संज्ञा समझ में आ गया, स्वरूप समझ में आ गया, संज्ञा मतलब पहचान, रूप शब्द गंध रस स्पर्श ये सब पहचान संज्ञा। संज्ञा होता है तीन चीज का स्पर्श। हम लोग रूप को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, रूप होना चाहिए, आंख होना चाहिए, विज्ञान 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 होना चाहिए। ये तीन चीज मिलने के बाद वेदना उत्पन्न होता है, वेदना उत्पन्न होने के साथ तुरंत पहचान लेता है रूप को, वैसे ही शब्दों को पहचान लेता है, वैसे ऐसे होता है एक ही साथ जैसा। लेकिन भगवान बुद्ध सिर्फ बताया है
अलग अलग होता है, लेकिन इतना स्पीड होता है देखने लगता ऐसे होता है। ठीक है, संज्ञा, ये संज्ञा अनात्म है, अपना वश में ये संज्ञा नहीं कर सकता है। अभी अगर सोच लिया तो ये संज्ञा ऐसे हो, ये संज्ञा ऐसे ना हो, ये खाबी नहीं मिलता है। अगर ये संज्ञा ऐसे हो, ऐसे ना हो, ऐसे मिलेगा तो संज्ञा बिना बदलते रहना चाहिए। सुंदर पहचान आने के बाद उसी में संज्ञा अटकना चाहिए, उसमें ही रहना चाहिए, उसमें ही रहेगा क्या, बदलते रहता है। इसीलिए संज्ञा अनात्म है। इसके बाद संस्कार, संखार भिक्खवे अनात्ता, संस्कार भी अनात्य है। संस्कार मतलब क्या है? संस्कार हम लोग रूप देख कैसा, एक चीज बताने पर आप लोग समझ में आएगा। रूप है, रूप मेरा हाथ, आंख है आपका, दो चीजें। अभी आप कैसे देखता है रूप को? विज्ञान की मदद से देख लिया मेरा हाथ, इसके बाद आपको दर्द आ गया, उपेक्षा, शायद दुख भी नहीं सुख भी नहीं है ना। इसके बाद आप ये रूप को पहचान गया, हाथ संज्ञा पहचानने का, इस पर विचार किया किसका हाथ है, किसका हाथ से, कैसा हाथ से, लंबा अंगुली, कुछ विचार अपने आप होता है ना, तुरंत आ जाता है ना, विचार किया है, कैसा कलर है, विचार पटापट होता है, वो है संस्कार। अब संस्कार समझ गया। एक एग्जांपल बता दूंगी, अभी आपको एक रूप है, उधर आपका आंख है, दे दोनों मिलाया, इसी से सब कुछ हो चुका है ना, हो गया एंड, इसका दोनों मिलाया विज्ञान से, इसके बाद वेदना आ गया ना, शायद उपेक्षा वेदना आया, इसके बाद आपको ये पहचान गया बॉल है, इसके बाद संज्ञा हो गया पहचान, इसके बाद संस्कार, अभी आप लोग चेतना करता है, चिंतन करता है, कैसे बना नहीं, ये ऐसा है, ऐसा है, ये उजला है, ऐसा करके इसके ऊपर विचार किया है, वो चेतना, वो ही है, कर्म बन जाता है चेतना। हम भी खम वदामी भिक्षु, मैंने चेतना को कर्म बताता हूँ, जो विचार किया ना वही है कर्म। आप बताइए, आप कर्म के बारे में समझ गया ना, और एक एग्जांपल बता दूंगा, कुछ भी अभी ठीक है। रूप आंख और विज्ञान मिल गया, मिलने के बाद देख लिया, स्पर्श हो गया, स्पर्श होने के बाद तुरंत आ जाता है वेदना, दर्द, सुख क्या, दुख क्या, उपेक्षा, दर्द आने के बाद आप इस पर विचार पहचान गया, ये भगवान बुद्ध की है, ये किताब है, इसके बाद आप इसमें विचार किया है, चिंतन किया है, ये महायंत्र बना है, हाथ में क्या लिया हुआ है, ये नीचे क्या लिया हुआ है, काला है, कौन सा चीज से बना है, चमकता है थोड़ा सा, ऐसे करके ऊपर ये प्रेरणा लिखा हुआ, ऐसे करके विचार करता है, वही विचार कर्म बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग हर एक सेकंड विचार करते हैं, हर एक क्षण में हम आप सभी लोग विचार करते हैं, शायद रूप पर,
नहीं तो शब्द पर, नहीं तो गंध पर, नहीं तो टेस्ट पर, रस पर, नहीं तो स्पर्श पर, नहीं तो मन की सोच पर विचार करते हैं। इसका मतलब हर एक सेकंड में कर्म बनते रहता है, हर एक सेकंड में, हर एक क्षण में, सेकंड के पहले हर एक क्षण में कर्म बनते 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 रहता है। हर एक क्षण में हम लोग स्पर्श होता है, हर एक क्षण में हम लोग को वेदना होता है, सुख या दुख की उपेक्षा, हर एक क्षण में हम लोग को पहचानता है सब ये छह चीज, रूप वेदना, रूप शब्द गंध रस स्पर्श और विचार, धम्म कहता है इसको, धम्म कहता है सोच को, धम्म, ये छह चीज पर हर समय हम लोग पहचान लेता है, जैसे एक कुछ भी, हर क्षण में, हर क्षण में हम लोग इस पर विचार करता है, विचार करता है मतलब हर क्षण में हम लोग के लिए कर्म बनते रहता है, हर एक क्षण में, हर एक क्षण में। अभी संस्कार समझ में आ गया है ना, ये संस्कार पटिसंपाद का संस्कार पच्य विज्ञान, वो संस्कार अलग है, वो संस्कार काय संस्कार, काय संस्कार मतलब शरीर का आस, सांस सांस लेना छोड़ना, वो वाची संस्कार, बोलने के पहले जो विचार करके बोलते हैं ना, वितक विचार, इसके बाद नहीं नहीं वाची संस्कार वो चित्त संस्कार है, हाँ 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 चित्त संस्कार है, संज्ञा वेदना, ठीक है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया संखार, संखार असंस्कार अलग है, संखार अभिक्खवे अनिच्चा, इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ये संखार भी अनात्म है, संखार भी क्यों अनात्ता, संस्कार अनात्म है मतलब अपना वास में नहीं कर सकता है, आत्म नहीं है ये संस्कार, अगर अनात्म नहीं है तो आत्म है, तो मतलब मेरा वास में कर सकेगा तो मेरा संस्कार ऐसे हो, मेरा संस्कार ऐसे ना हो, ऐसे कर सकता है, लेकिन ये संस्कार अनात्म है मतलब अपना वास में नहीं कर सकता, इसीलिए ये संस्कार ऐसे हो, ये संस्कार ऐसे ना हो, ऐसे कभी मिलता है क्या, कभी नहीं मिलता है, इसीलिए संस्कार अनात्म है। इसका मतलब मेरा हर समय सोच लिया तो हमेशा मेरे विचार मेरे संस्कार पुण्य पर हो सकता है क्या, नहीं मिलता है, अपन वास में नहीं कर सकता है। इसके बाद बताए हैं विज्ञान भिक्खवे अनात्ता, ये विज्ञान भी अनात्म है, विज्ञान अपना वास में नहीं कर सकता है, विज्ञान भगवान बुद्ध ने बताया एक जादू जैसा, रास्ता के किनारे एक आदमी जादू दिखाता है, जादू दिखाते समय देखने वाले लोगों के एकदम अमेजिंग है ना, असली जैसे एकदम, कोई विश्वास करेगा ये नकली है, कोई नहीं विश्वास करे, सभी लोग सोचता है एकदम असली है। इसके बाद लेकिन एक वैसे ही विज्ञान भी, विज्ञान से जो जो देता है हम लोग सोचते हैं सब असली है, हम लोग को जो विचार देता है ना विज्ञान ने देता है, ये करो वो करो अभी वो ही जाओ ये करो ये करो, विज्ञान का जादू माया। साधना करते समय बोलता है फूल दिखता है, भगवान बुद्ध की फोटो दिखता है, गुरु जी आता है, ये सब क्या है, विज्ञान का जादू,
नहीं जानने वाले लोग उसमें अटक जाता है, नहीं जानने वाले लोग साधु बाबा लोग जैसा साधना करने वाले लोग नहीं जानता है विज्ञान के बारे में, पंच उपादान स्कंध नहीं जानते विज्ञान के बारे में नहीं, इसलिए साधना करते समय कुछ देखना शुरू किया तो समझता है मुक्ति प्राप्त। इसलिए कहते हैं स्वामी नारायण जी मुक्ति प्राप्त है, साई बाबा मुक्ति प्राप्त, ज्ञान प्राप्त है, क्यों ऐसे कहता है? विज्ञान से विज्ञान ने उसी को गलती रास्ता पे ले जाता है, गलत रास्ता पे ले जाने के बाद विज्ञान है विश्वास करता है वो जादू है, इसके बाद वो अटक जाता है, हाँ ये सही है तो हम ज्ञान प्राप्त अभी अभी दूसरों को सेवा करेंगे। और कोई देवता जैसा आना देख लिया तो सोचते हाँ हमारे साथ देवता भी बात करना शुरू किया, कब क्या फूल दिखता है हाँ साधना सफल हो गया। लेकिन बुद्धिमान लोग का टारगेट विज्ञान का जादू पर नहीं, बुद्धिमान भगवान बुद्ध के शिष्य लोग का टारगेट निर्वाण, उसके लिए आना पाना साथ साधना करेगा तो आना पाना साधना में हम बादल बादल के ऊपर जाना जैसा लगता है, फूल दिखता है, भगवान बुद्ध फोटो दिखता है, ये सब जरूरी है? जरूरी नहीं है, ऐसे तो भगवान बुद्ध ने बताते हैं फोटो दिखेगा ऐसे करेगा, ये सब भगवान बुद्ध ने बताए विज्ञान का जादू। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो किताब में जो भगवान बुद्ध ने बताते हैं सांस पर ध्यान देना, चाहे पृथ्वी आता है डोलते डोलते फिर भी उसी पर ध्यान नहीं, पृथ्वी आना दिखाई देता है देवता आना दिखाई देगा फिर भी उसी पर ध्यान नहीं, फिर भी अपना साधना पर ध्यान, वो विज्ञान पे अटेगा नहीं। लेकिन कोई भी हम भी सभी लोग विज्ञान में अटक सकता है, क्यों अटक सकता है विज्ञान का जादू पे? विज्ञान जादू है, एक लड़का ये जादू देख करके वो सोच लिया हम भी जादू सीखेंगे, सीख ऐसे करके उसका पीछे पीछे जाके बहुत मेहनत करके सेवा पानी करके सीख गया जादू, फिर वो सीख गया ना, सीखने के बाद वो जा रहा है रास्ता पे कहीं जाते समय जादू दिखाता है, अभी ये जानता है हम जानते हैं कैसे होता है, सभी लोग बाप रे ऐसा जादू ये तो असली है, भगवान भगवान है भगवान ऐसे कहते हैं वो पागल, इन लोगों को पागल झूठे मुठे में अटक रहता है, वो ध्यान भी देता है क्या? नहीं, वैसे ही है विज्ञान भगवान बुद्ध के आर्य मार्ग आर्यष्टांग मार्ग में जाकर के चार सतिपट्ठान में से रह के विज्ञान को पकड़ लेता है, विज्ञान का सारे जादू को पकड़ लेता है, मतलब अरहत तो प्राप्त अरहंत है, अरहंत बनते लोगों के मन में ऐसा विचार आता है, आने पर विचार पकड़ता है क्या? जानते ये विज्ञान का जादू है, हम लोग अटक सकता है अरहंत बनते लोग, मतलब विज्ञान जादू को सीखा हुआ लड़का जैसा अरहंत बनते लोग, विज्ञान की जादू सब सीख गए हैं कंप्लीट, अब समझ गया विज्ञान। विज्ञानम भिक्खवे अनात्ता, विज्ञान अपना वश में नहीं कर सकता है, अनात्म है, अगर विज्ञान अपना वश में कर सकेगा तो ऐसे प्रार्थना कर सकता है मेरा विज्ञान ऐसे हो मेरे विज्ञान ऐसे ना हो, ऐसे मिल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये विज्ञान अनात्म है, अपना वश में नहीं कर सकता है, इसीलिए ये विज्ञान ऐसे हो ये विज्ञान ऐसे ना हो ऐसे कभी नहीं मिलता है। इतना दूर तक समझ गया, रूप के बारे में बताया, वेदना के बारे में बताया, संज्ञा के बारे में बताया, संस्कार के बारे में बताया, विज्ञान के बारे में बताया, तं किं मन्यत भिक्खवे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? रूपं निच्चं वा अनिच्चं वाति, रूप नित्य है वा मतलब या वा या अनित्य है, भंते लोग बताए अनिच्चं भंति अनित्य है, यम पनानिच्चं जो कुछ अनित्य है वो दुखं वा तं सुखं वाति, दुखम बंती जो कुछ अनित्य है तो वो दुख है या सुखम वाती सुख है, दुखम बंते दुखे तथा यम पनानी चंदुखंग विपरिणाम दम्मा, यम पनानी चंदुखंग जो कुछ
दुख है, विपरिणाम धम्मा विपरिणाम होते रहता है, मतलब बदलते रहने का स्वभाव है, हर समय हर क्षण बदलते रहने का स्वभाव है। जो दुख है, जो अनित्य है वो दुख है, और वो बदलते रहेगा तो वो एतम मम, वो मैं हूँ, एसो हमस्मि मेरा है, एसो आत्ता, एसो मैं आत्ता आती, वो मेरा आत्मा है, ऐसे पकड़ सकता है क्या? नो हेतम भंति, नहीं, नो हेतम भंति। भगवान बुद्ध ने बताया रूप, रूप अनित्य है, मतलब बदलते रहता, रूप बाहर रूप तथा आंतरिक रूप सब बदलते रहता है, हर समय बदलते रहता है, हर क्षण में। जो बदलते रहने के कारण बदलते रहेगा तो वो दुख है, असुख है, बदलते रहना दुख है। जो दुख है, जो अनित्य है, वो ऐसा सोच सकता है, एतम मम, वो मैं हूँ, वो रूप मैं हूँ, एसो हमस्मि, वो रूप मेरा है, एसो मैं आत्मा थी, वो रूप मेरा आत्मा है, ऐसे पकड़ सकता है क्या? नो मम हंति, नो हेतम मत, नहीं कर सकता है, समझ गया? वैसे ही है दूसरा चीज के बारे, वेदना 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 भिक्खवे तांकी मन्यते भिक्खवे वेदना निच्चंग वा अनिच्चंग वाति, वेदना भी सुप्त को उपेक्षा भी बदलते रहता है। जो अनित्य बदलते रहता है वो सुख है या दुख है? दुखम बनते, दुख है। जो अनित्य, जो वेदना अनित्य है, दुख है, वो हर समय बदलते रहने का स्वभाव है, हर क्षण में, वो कभी भी मैं हूँ, वो वेदना मेरा है, वो वेदना मेरा आत्मा है, ऐसे पकड़ सकता है? नो हेतम भ्रांति, नहीं पकड़ सकता है, समझ में आता है? गहरी है, समझ सकता है ना? संज्ञा वैसे ही है, अभी बताए, संज्ञा भिक्खवे तंकी मान्यते भिक्खवे, संज्ञा निच्छं वा अनिच्छं वाति, अनिच्छं बन्ते, यम पनानिच्छं दुःखं वा सुखं वाति, दुःखं बन्ते, जो जो अनात्म है वो अनित्य, जो अनित्य है वो दुख है, जो अनित्य है वो दुख है, वो हर समय बदलते रहता है, वो कभी भी एतम मम, वो मैं हूँ, एसो हमास्मि, वो मेरा है, वो क्या? संज्ञा, एसो मैं आत्मा आति, वो संज्ञा मेरा आत्मा है, ऐसे पकड़ सकता है कभी? नो हेतम भंते। इसके बाद संखारा, संखारा निच्छा वा अनिच्छा वाति, अनिच्छा, यम पनानिच्छं दुःखं वा दुःखं वाति, दुःखं, जो दुख है, जो अनित्य है, वो हर समय बदलते रहने का, चन चन बदलते रहने का स्वभाव है, वो एतं मम, मैं हूँ, एसो हमस्मि, वो मेरा है, एसो मे आत्थाति, वो मेरा आत्मा है, ऐसे पकड़ सकता है? नो हेतम। इसके बाद अंतिम, विज्ञानं निच्छं वा अनिच्छं वाति, अनिच्छं भवति, विज्ञान भी अनित्य है, बदलता है, यम पनानिच्छं दुःखं वा सुखं वाति, जो अनित्य है वो दुख है, यम पनानिच्छं दुःखं विपरिणाम धम्मं, जो कुछ अनित्य है वो दुख है, वो हर समय बदलते रहता है, वो चीज एतं मम, वो मैं हूँ, विज्ञान एसो हमस मेरा है, वही विज्ञान एसो में आत्मा है, वो मेरा आत्मा है, ऐसे पकड़ सकता है? नो हेतं भंते। नहीं, अब इतना दूर तक समझ गया? हाँ। लेकिन सभी लोग
आप लोग ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा मर गया तो हम भी मर जाएगा, इसका मीनिंग अभी समझ में आ गया ना? क्या है ये आत्मदृष्टि सकाय दृष्टि तस्मा आती है भिक्खवे ऐसे है तो यंकिंचिरूपं अतीतानागत पच्चुपन्नं वारे बापरे अब देखिए अज्जत्तं वा बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुकुमं वा हीनं वा पनितं वा यादूरे संतिके वा सब्बं रूपं नेस्तं ममने स्वामिने स्वात्त। अभी आप लोग अपने रूप के बारे में जान गया, ये रूप ऐसा है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा है तो सारे रूप के बारे में सोचिए। यं किंच रूप, जो कुछ रूप हो सकता है, अतीत भूतकाल में बीता हुआ समय में जितना रूप था, अनागत अतीत अनागत भविष्य में जितना रूप रहेंगे, पच्चुपन्न वर्तमान में जितना रूप है, अतीत में कितना राजा महाराजा लोग, अजाहत राजा का महल, अपना पिताजी उसी महल के लिए लड़ाई किया ना, अभी वो महल है नहीं, आप लोग को चारदाद अभी है नहीं। अतीत अनागत तीन काल में जो कुछ रूप है, अतीत रूप जो खत्म वैसे ही है, भविष्य में आने वाला रूप भी सब वैसे ही खत्म हो जाता है, वर्तमान में जो कुछ रूप सब वैसे ही है। अज्ञातवा अंदर को जो कुछ रूप है, अंदर अपना पर बहिद्धावा बाहर जितना रूप है, इसके बाद ओलारिकांगवा, ओलारिक मतलब कठोर जो कुछ रूप है, कठोर रूप मतलब प्राणी आदमी इंसान घर द्वारा ये सब। सुकुमांगवा मुलायम रूप हो सकता है, मुलायम रूप देवताओं का, भूत प्रेतों का, ब्रह्म का मुलायम रूप। इसके बाद हीनांगवा नीच जो कुछ रूप है, नीच मतलब छह देवलोक मनुष्य लोक नरक। पनीतांगवा वो सब हीन नीच है, मनुष्य लोग नीच, देवलोक भी नीच है। नीच मतलब काम लोक, पनीतांगवा उत्तम रूप उसस ऊंच, ऊंच रूप मतलब ब्रह्म, ध्यान करके जाता है ना ब्रह्म लोग जैसा ऊंच रूप हो सकता है, या दूरे पनीतांगवा यान दूरे, दूर में जो कुछ रूप है, दूर मतलब अमेरिका श्रीलंका कनाडा थाईलैंड बर्मा बांग्लादेश, दूर में जो कुछ रूप चांद सूरज उससे ऊपर जो दूर में जितना रूप है वो सारे रूप भी। शांति केवा बगल में जो कुछ रूप है सब, बगल में बिहार इंडिया ऐसा बगल में जो कुछ रूप है वो सारे रूप नेतंग मम मैं नहीं, नेसो हमस्मी मेरा नहीं, न मेसो अत्ताति वो मेरा आत्मा, वो रूप मेरा आत्मा नहीं। एवमेतं यथाभूतं इसी प्रकार से यथाभूतं यथार्थ मतलब सत्य सम्पन्नाय दट्ठब्बं ये कारण इसी प्रकार से है सम्पन्नाय दट्ठब्बं बड़ा हुआ प्रज्ञा से देख लिया, बढ़ गया प्रज्ञा से देख लिया मतलब साधना करके ध्यान करके बहुत मन बढ़ जाता है ना, उसी बड़ा हुआ मन से देख लिया तो मन से देखना चाहिए। आप देखिए कोई भी रूप छूट गया क्या कहीं भी नहीं, सारे रूप पकड़ लिया ना, अतीत भविष्य वर्तमान इसके बाद अंदर या बाहर और कठोर मतलब ये सब या मुलायम मतलब देवता हीन मतलब खाम लोक देवलोक चार अपाय मनुष्य लोक
पनीतं मतलब उंच रूप अरूप लो रूप अरूप मतलब ब्रह्म लोक है उंच जो कुछ रूप है और दूर में जो कुछ रूप है पास में जो कुछ रूप है अभी कुछ भी है क्या रूप कुछ है? बचा हुआ है नहीं कुछ भी नहीं बचा है वो अगर वो अनित्य है तो जो पहले बताया ना रूप वो अनित्य है तो सारे रूप ऐसे ही अनित्य है वो नेतम्मम वो मैं नहीं ने सो हम अस्मी वो मेरा नहीं न मैं सो आत्मा थी वो मेरा आत्मा नहीं वैसे ही है याकाच वेदना जो कुछ वेदना है सुख दुख उपेक्षा अतीत में जितना सारा वेदना था मिला आप लोग अतीत में कितना वेदना मिला सुख कितना मिला दुख कितना मिला उपेक्षा कितना मिला भविष्य में कितना मिलेगा वेदना वर्तमान अभी मिलते रहता है कितना ये तीन प्रकार की जितना वेदना ये तीन चीज तीन प्रकार से ये सब वेदना मिलता है कौन सी ये तीन तीन प्रकार अतीत अनागत वर्तमान ये तीन में कैसे मिलता है अंदर वेदना मतलब आंतरिक वेदना या बाहरी वेदना या कठोर वेदना कठोर वेदना मतलब हम लोग को मिलता है वही वेदना मुलायम वेदना देवतांक मिलता है इसके बाद नीच हीन वेदना एवं उंच वेदना महान वेदना नहीं हम लोग की महान वेदना होता है ना वो रूप है ये वेदना रूप ऐसा है इसके बाद दूर में जितना वेदना है सुख दुख उपेक्षा पास में जितना वेदना है सुख दुख उपेक्षा वो सारे वेदना नेतं मम मैं नहीं नेसो हमास्मि मेरा नहीं न मैं सो आत्मा वो वेदना मेरा नहीं, आत्मा नहीं ऐसा ऐसा सही प्रकार से यथाभूतं सही प्रकार से सम्पच्छाय दट्ठब्बा बड़ा हुआ प्रज्ञा से देखना चाहिए ऐसा तो देखने का रास्ता है अब बताए संज्ञा पहचान अतीत में आप लोग कितना रूप शब्द गंध रस स्पर्श धम्म कितना पहचान गया भविष्य में कितना पहचानेंगे कितना चीज अनगिनत वर्तमान में आप लोग कितना पहचान रहता है वो सारे संज्ञा हो सकता है या कठोर जितना पहचान है मुलायम पहचान है और नीच पहचान है उंच पहचान है दूर में जितना पहचान है पास में जितना पहचान है वो सारे पहचान नेतं मम मैं नहीं ने सो हम अस्मी मेरा नहीं न मैं सो आत्मा थी मेरा आत्मा ने ऐसा यथाभूतं यथार्थ से मतलब सही ढंग से समपचय दट्ठब्बा बड़ा हुआ प्रज्ञा से देखना चाहिए ये के ची संखारा जितना संस्कार है चेतना है चेतना अतीत में जितना विचार किया वो सारे संस्कार भविष्य में जितना करेंगे वो सारे संस्कार वर्तमान में करते रहते हैं वो सारे संस्कार हो सकता है या कठोर जितना चेतना है वो सब मुलायम चेतना है और जितना नीच हीन चेतना है उंच चेतना है और दूर में जितना चेतना है पास में जितना चेतना है वो सारे चेतना नेतम मम मैं नहीं ने सो हम अस्मि मेरा नहीं न मैं सो अर्थाति मेरा आत्मा नहीं ऐसा यथार्थ से सत्य रास्ता से बड़ा हुआ प्रज्ञा से देखना चाहिए अब बताया विज्ञान यांकिंची विज्ञान अतीतानागत पच्चुपन्न जो कुछ विज्ञान है अतीत में विज्ञान था कि नहीं
अनाग भविष्य में विज्ञान मिलेगा कि नहीं, वर्तमान में विज्ञान है ही नहीं है। अपना अंदर जितना विज्ञान है, बाहर जितना विज्ञान है, बाहर बताए सब कुछ, अंदर आंतरिक विज्ञान अपना पास, और में मुलायम जितना विज्ञान है, कठोर जितना विज्ञान है, हीन विज्ञान है, उच्च विज्ञान है, या दूर है शांत केवल, दूर में जितना विज्ञान है, पास में जितना विज्ञान है, वो सारे विज्ञान ने तम मैं नहीं, ने सो हम अस्मि, मेरा नहीं, न मे सो अत्ताति, मेरा आत्मा नहीं, ऐसा यथाभूतं सम्मपन्न दठब, ये कारण इसी प्रकार से वैसे ही बड़ा हुआ प्रज्ञा से देखना चाहिए। एवं पश्यन् भिक्ख, अब इतना तक समझ गया, ठीक अब आ गया। एवं पश्यन् भिक्खवे सुतवा आर्य सावको, श्रुतवा मतलब श्रुतवा, श्रुत सुनने वाले आर्य सावको, आर्य श्रावक को नहीं, भगवान बुद्ध के रास्ता पे जाने वाले आप लोग सर, सुतवा आर्य सावक वैसा आर्य श्रावक बड़ा हुआ प्रज्ञा से देखने के कारण रूपस्मिंपि निबिंदति, रूप के बारे में सच्चाई से घृणा होता है, घृणा मतलब आसक्त नहीं होता है। आर्य श्रावक ऐसा देख लिया तो कोई भी रूप के बारे में, अति तनागत पच्चुपन, कोई भी रूप के बारे में देख लिया तो आसक्त नहीं होता, हाँ प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त, वही ज्ञान प्राप्ति है। अभी हम लोग नॉलेज है ना, नॉलेज अलग, प्राप्ति अलग है। सही ढंग से सचमुच में भी आर्य श्रावक उसी रूप को त्याग करता है, उसी रूप पर आसक्त नहीं होता है। वेदना के बारे में सचमुच में घृणा होता है, आसक्त नहीं होता है। संज्ञा के बारे में सचमुच में आसक्त नहीं होता है। संस्कार के बारे में आसक्त नहीं होता है। विज्ञान के बारे में आसक्त नहीं होता है। रूपस्मिंपि निबिंदति, वेदनाय पि निबिंदति, निबिंदति मतलब ऐसे अलग 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 अनासक्त, अनासक्त आसक्त नहीं, अनासक्त है। संज्ञाय पि निबिंदति, संकारेषु पि निबिंदति, विज्ञानस्मिन् पि निबिंदति, ये पांच के बारे में निबिंद होते हैं, निबिंद मतलब अलग होते। निबिंदं विराज्यति, ऐसा आसक्त छोड़ने के बाद, आसक्त नहीं, निबिंदति मतलब क्या है, घृणा होता है। घृणा मतलब गंदी की घृणा नहीं, शुद्ध घृणा, ऐसे कहता है। ऐसे प्लेट है, प्लेट में मरा हुआ चूहा का, सड़ल हुआ सांप का डाल के हम लोग दे दिया खाने के लिए, हम लोग वो प्लेट देखने के बाद क्या होता है, घृणा होता है ना, वही वैसा ही घृणा होता है। ऐसा देख लिया तो रूप के बारे में, संज्ञा के बारे, वेदना के बारे में, संज्ञा के बारे में, संस्कार के बारे में, विज्ञान के बारे में घृणा होता है। घृणा होने से निबिंदं विराज्यति, घृणा होने से उसमें आसक्त होता है क्या, मन सट जाता है, ऐसे घृणा होने के कारण मन आसक्त नहीं होता है। विराग निबिंदं विराज्यति, विरागा विमुच्यति, उसमें मन नहीं सटने के कारण, आसक्त नहीं होने के कारण मन मुक्त होता है। कौन सा चीज से, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान में मन नहीं आसक्त हुआ,
घृणा हो गया, तो घृणा होने के कारण मन आसक्त नहीं होता है। मन आसक्त नहीं होने के कारण विराग विमुच्यति, नहीं आने के कारण विमुक्त मुक्त होता है मन। विमुक्तस्मि विमुक्तमिति ज्ञानं होति, मन मुक्त होने के बाद, मुक्त होने के बाद वो चीज से मन मुक्त होने के बाद मन मुक्त हो गया, मुझे ये मन इसी चीज से मेरा मन मुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब जान जाता है ये सब चीज मैंने मुक्त हुआ। जनन क्षय खीन आ जाती, जनन क्षय होता है, क्षय होता है मतलब खत्म होता है। उसी तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पूरा, ब्रह्मचार्य पूरा किया, ब्रह्मचारी मतलब सील निर्वाण, नहीं निर्वाण की रास्ता को ब्रह्मचार्य कहता है, ब्रह्मचार्य पूरा किया। उसी तम ब्रह्मचर्य कतं करणीय, जो कुछ करना है वो सब कुछ कर चुका। कि ना परंग इतथा याति पजानीति, निर्वाण के जो कुछ करना है वो कर लिया। वापस इस संसार में द्वारा जन्म नहीं होता है, ऐसा प्राप्त होता है ज्ञान। इसके बाद ऐसा भगवान बुद्ध ये उपदेश बताए, पंचवाग्य बंति लोगों को नन्य वाप्य महानमस्त जी पंचवाग्य बंति लोगों को दिए हैं। ये पंचवाग्य बनते लोग ये उत्तम देशना सुन के खुशी मन से स्वीकार किया, मुक्ति प्रसन्न है। ये देशना खत्म होने के साथ साथ पंचवाग्य बनते लोग उत्तम अर्हत्व को प्राप्त करते हैं। साधु साधु साधु।